प्रधानमंत्री मोदी ने संपत्ति के अधिकार का मुद्दा फिर से उठाते हुए सैम पित्रोदा के बयान पर वार किया है। देखिए, सैम पित्रोदा कांग्रेस की इकाई इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और इस बीच सैम पित्रोदा ने जिस तरीके से विरासत टैक्स का यहां पर उदाहरण देते हुए ये कहा है कि जो अमेरिका में जिस तरीके से विरासत टैक्स लगाया जाता है उसी को आधार बनाकर कहीं ना कहीं भारत में भी इसका जिक्र किया गया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए निशाना साधा था और एक बार फिर सैम पित्रोदा के बयान का प्रधानमंत्री की तरफ से जिक्र किया गया। कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाहबीद परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले किया कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है, उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। इन्होंने पब्लिकली कहा है, अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज छत्तीसगढ़ की रैली में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति का एक्सरे कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर भी यहां पर प्रहार किया है, जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से जवाब दिया गया। शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो थोड़ा बहुत स्त्री धन होता है, गहने जेवर होते हैं, कांग्रेस उनकी भी जांच कराएगी। यहां सरगुजा में तो हमारी आदिवासी बहनें चंदवा पहनती हैं, हंसूली पहनती है, हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं। कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान से सियासी घमासान छिड़ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवाब दिया है और अमित शाह ने दावा किया कि सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पूरी तरह बेनकाब हो गई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो बनाने में सैम पित्रोदा की भूमिका अहम है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दा उठाया तो पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। उन्होंने कांग्रेस से अपने घोषणा पत्र से सर्वे की बात को वापस लेने की भी मांग की है। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं,
और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोड़ा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। सैम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और इस बीच सैम पित्रोड़ा ने जो बयान दिया है उस पर भले ही कांग्रेस ने किनारा कर लिया है लेकिन कांग्रेस के उदित राज ने उनके बयान का समर्थन किया। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका अपनी नीतियों की वजह से ही आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जर्मनी का भी उदाहरण देते हुए कहा कि जर्मनी में भी विरासत पर 55% टैक्स है और बच्चों को 45% हक ही मिलता है। न्यूज 18 इंडिया ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत भी की, क्या कुछ उन्होंने कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। पश्चिम दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी सैम पित्रोड़ा जो बयान दे रहे हैं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उत्तरा जी क्या लगता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अमेरिका में ऐसा होता है कि जो विरासत कर है वो लगाया जाता है किसी की मृत्यु के बाद, आधी संपत्ति सरकार के पास जाती है, पब्लिक के लिए जाती है। अमेरिकन सिस्टम से कितना मोहब्बत करते हैं खासतौर से आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, गुजरात के लोग। आईआईटी पढ़ाई आईआईटी में करेंगे सरकारी पैसे से और नौकरी लेने वहां चले जाते हैं, बिजनेस करने वहां चले जाते हैं, घर वहां खरीदेंगे, लंदन में खरीदेंगे, मॉरिशस में खरीदेंगे या तो आपका दुबई में करेंगे या आप मतलब कनाडा में करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में करेंगे, और वहां की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से को आप इनकार करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी का, संजय जायसवाल जी का, या कहा जा सकता है रामजलान जी का, सारे के बच्चे जाते हैं पढ़ने अमेरिका। क्यों जाते हैं? अमेरिका के टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से अमेरिका आगे बढ़ा है। तरह को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि जो अच्छा टैक्सेशन सिस्टम है विदेशों में उसको अपनाना चाहिए और सैम पित्रोड़ा के उस बयान का समर्थन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ मानव यादव, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। दरअसल आपको बता दें कि इंडियन ओवरसीज